कैब के खिलाफ कांग्रेस नेता सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। जयराम रमेश ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की, कैब को रद्द करने की मांग की। याचिकाओं का दाखिल होना शुरू हो गया है। कांग्रेस के नेता जयराम रमेश भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। कैब जिसे हाल ही में दोनों सदनों से पास कर दिया गया और उसके बाद इसका विरोध भी लगातार जारी है, तो जयराम रमेश ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। जाहिर सी बात है, क्या संवैधानिक है यह बिल, यह कहकर यह याचिका दाखिल की गई है।